So, अभी हम घर पहुंच चुके हैं, एकदम गेट के बाहर हमने गाड़ी लगा दी है। अब हम अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ये प्लान किया ना कि मम्मी का बर्थडे ऐसे ऐसे करना है, इसके पीछे हमारा क्या आइडिया था, ये था कि ना मम्मी कभी अपने भाई बहन को कभी अपने घर नहीं बुला पाए, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए। फिर मामू मासियाँ वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, तो इन लोगों को ना जैसे बचपन में होता था ना, साथ में रहते थे और मस्ती करते थे, उस सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। और मम्मी ये टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो मैं और रजत के दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना ये टाइम इनका फिर से वापस लाया जाए। तो आज की पार्टी कुछ ऐसी होने वाली है। ओ, ये हम पहुंच गए घर। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं यहाँ। ये देखो, इनके लिए गमले लाई हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम पहुंच गए बर्थडे गर्ल के पास। नमस्ते जी। ये सारा षड्यंत्र इस लड़की ने कब का रचा हुआ है? आपको शक हुआ था? नहीं, शक तो नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को ये डर था कोई बोल ना दे और इसकी ओवर एक्टिंग का था, बट मैंने ना करियो। पर हमने तो पापा को भी बताया था, क्योंकि हमें पता था सबसे ज्यादा खतरा वही है। चलो हम भी थोड़ा फ्रेश होते हैं, पता हम तो नॉन स्टॉप आए, कहीं रुके नहीं। आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? मैं तो डिनर पे लेकर चलते हैं, तैयार हो जाओ, चलते कहीं पे चलते। मैं तो करेले लाई थी, मम्मी याद के करेले खाएंगे इनके बर्थडे पे। हाँ, मम्मी साग भी। तो साग भी नहीं, नहीं तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं। पानी की भी थोड़ा सा आज इशू है। मैं मतलब अपने भाई बहनों से बात कर रही थी ना, मैंने तो ये प्लान था पहले जब वो कनाडा में थे, तो मतलब आए तो मतलब मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को बर्थडे का शौक कभी नहीं होता कि ऐसा मेरा बर्थडे ना हो, पर मतलब मेरे को ये कि तुम्हारा इनके एनिवर्सरी मनानी थी अच्छे से। मैं मम्मी की ना कनाडा में यही बात देती थी, मैं कहती थी मम्मी हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मम्मी कहते थे नहीं मैं तुम्हारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगी। तो पर अब टाइम ऐसा रहा, एनिवर्सरी तो हमने करी ली, बट बर्थडे हम सारे इकट्ठे हो गए, मुझे तो अभी खेलते थे तुम आगे। चलो 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 फिर रेडियो जाओ, कहीं चलते हैं। मुझे भी जल्दी हो जाओ, जल्दी नहा क्या नहा क्या कनाडा से नहीं हुआ, यहाँ पे हो रहा। मेरे को भी हुआ था, दो दिन तक मैं उठी नहीं पाई। अरे जो कल परसों में छोड़ने गई। सुनो तो ये तीसरा में दूध की तरह शायद फट गया, ये पूरी हो बहुत तेजी से। हाँ, यहाँ आपके कपड़े गंदे हो गए। ये आपके जन्मदिन की मिठाई था, और तो कुछ नहीं ला सकते। एक एक गिफ्ट लाई तुम आए है ना, तो तुम सबसे बड़ा गिफ्ट है। रुक जाओ, मैं सबसे अलग सा गिफ्ट लाई। मम्मी के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए आज, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, जो पता भी नहीं था कि आ सकते हैं। गमले, हरे राम, इसने अति कर दी थी सारे रास्ते, गाड़ी रोक गाड़ी रोक। मम्मी के काम नहीं आएगी, तुम मेरे आ जाएगी। पापा के पापा हमारी बार। ओह नो, पापा दूसरा सरप्राइज। किसने आपको, आपको कैसे आइडिया हुआ? अरे बेटा हमारे कैसे आपको कैसे आइडिया हुआ पहले बताओ, तूने बोला एक बात बताऊं। अरे जब जाने थे ना हम, मैंने जाने से पहले सोचा कि पापा को बोल देता हूँ। मैंने पापा को पूछा था, पापा एक सरप्राइज है। जब ना मैं वहाँ आई थी ना, शिमला आई थी ना, तब इसने बोल दिया था कि हम आएंगे। हमने ना मम्मी को झूठ बोलना है, हमारी फ्लाइट है 22 की और हम आ जाएंगे। बोलना है कि मैं तो हुई ही नहीं वहाँ पे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी लाइट्स कितनी अच्छी आ रही है। ये डिस्कशन चलेगी कहाँ घूमने चलते, बाहर चलते। मैं सच बताऊं कहीं बाहर चलते, मैं और मेरी बहन तो जाने के इन दोनों में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, और मुझे ऐसा हो रहा है थक गई हूँ मैं, खड़े खड़े रह के भी घूम रही हूँ। तो बट इनकी एक्साइटमेंट देख के मैं इनको मना भी नहीं कर पा रही हूँ, तो चल ही पड़ते कहीं बाहर। और शिवानी का कहना ऐसा है कि कैसा कुछ नहीं जाओ जल्दी तुम रेडी जाओ।
अरे ये बोल रही है कि यहीं पे ही डिनर करते हैं और करेले मम्मी तो रेडी भी हो गई कि तुम्हारे लिए पनीर और करेले बनाऊंगी। मुश्किल से तो घर बाहर जाने का मौका मिलता है। देख रहे हैं कहां मतलब दो बच्चे चार हो गए हम तो चार से कितनी खुशी होती है शायद बाप ही समझ सकता है इस चीज से। माँ को नहीं होती बाप ही समझ सकता है। सो गाइस सरप्राइज अभी तो शुरू हुआ है बट मैं मम्मी के आगे ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है बट अभी रजत नीचे बैठ के एडिटिंग कर रहा है और मैं जाके थोड़ा सा नहा लेती हूँ क्योंकि यार जब वो गाड़ी हमारी रुक गई थी ना चंडीगढ़ में तो धक्के देते हुए इतनी धूल डस्ट थी और इतना ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी ना पूरे रास्ते, तो मैं नहा कर फ्रेश होती हूँ। ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रही ताकि नीचे ना सुन जाए, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं तो बढ़िया फ्रेश हो गई हूँ बट बेचारा रजत जब से आया है ना तब से एडिटिंग कर रहा है ताकि आप लोगों को व्लॉग टाइमली मिल जाए, बट इसको रेडी होने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अब हमको वेन्यू पे भी निकलना है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये मेरी आइटम है, मैंने रजत से शादी की। ही सो हार्ड वर्किंग और रजत को तभी तसल्ली मिलती है जब ये अपना काम पूरा मतलब परफेक्शन के साथ करे, तो मेरे लिए तो बढ़िया ही है बट मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसको यू नो फ्रेश होने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, बट दैट्स ओके, मम्मी का बर्थडे इतना तो चलता है। सो बस जैसे ही रजत का काम खत्म होगा उसके बाद हम निकल जाएंगे और सब वहाँ पे पहुँच चुके। और प्लान पता क्या है कि हमारा प्लान ये था कि सब लोग वहाँ पे पहले पहुँच जाएंगे और रजत जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे रजत कहेगा मुझे वॉशरूम आया है, तो वो अंदर जाके सब लोगों को बोलेगा बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए और फिर उसके बाद मैं मम्मी को बोलूँगी अरे लगता है अंदर किसी बर्थडे पार्टी चल रही है, मतलब बिल्कुल मम्मी को आइडिया ना हो हम वैसी एक्टिंग करने वाले हैं। सब देखते आगे आगे कि हम उसको वैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्या लग रहे हो मम्मी कहर धा रहे हो आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, सूट भी बहुत प्यारा है। ये देखिए दो गुड़ियाएं हमारी, आओ बेटा सामने खड़े हो। नहीं यहाँ मैं यहाँ पे दिखूंगी ना शीशे में, आप इधर आ जाओ। ये लो जी हम तीनों रेडी हो गए, हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज फ्रॉक सूट पहनेंगे। मम्मी तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं शिवानी, सॉरी हाँ वैसे लग रहे हैं बर्थडे गर्ल तो लगनी चाहिए, माँ तो फिर भी आप ही रहोगे। वो भी पहन लो गले में हार सब हाँ चूड़िया मुड़िया भी बना लो शादी के लिए तैयार करते हैं मम्मी को। हाँ सच में है ना अच्छे से, मैं चूड़िया भी ला रही थी मम्मी को, वो जो मैंने दी थी वो वाली कंगन वाली, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी आप बाल खुले जैसे ही रखो, अच्छा वो छोटी क्लच लगाई है। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा हाँ चल चल मम्मी चलो आज तो मम्मी कहर ढा रहे, दिखाओ अपनी खूबसूरती। बनी भी कोई नहीं आके पियेंगे सुबह, सुबह क्या भी ये नहीं पता कि अगर हमको वहाँ होटल में ना मिला रूम तो फिर पानी की बोतल तो ले जाएंगे ना। नहीं मम्मी वहाँ पानी तो मिल जाएगा, पानी तो मिल जाता है दीदी तैयार हो गए। पहले कब करता था मेरे मम्मी को बोलता था दीदी आज तो दीदी यहाँ पर भी है। चलो चलो तो अभी हम मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कहीं बाहर आए हैं, कहाँ आए हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, इतना लंबा रास्ता है चल ही चल रहा है और साथ में जीपीएस वाली दीदी भी बोल ही रही है। सो फाइनली हम पहुंचने वाले, मुझे तो इतनी जोर की भूख लगी है, बर्थडे गर्ल तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मम्मी आपको लगी है भूख? बर्थडे गर्ल ने अपनी बेटी का लाया हुआ सूट पहना है तभी तो इतना चमक रहे है। पहुंच ही गए, मैं हूँ सब छुपे है। हाँ हाँ ठीक है, वाह आ जाओ, एकदम अंधेरा ही यहाँ तो, चलो ये देखो बिल्ली का केक। मम्मी बिल्ली आओ जी, आओ आओ आ जाओ, बस आप सब लोग आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। हमारे स्पेशल गेस्ट इतनी दूर दूर से पहुंचे हैं और इतनी देर से वेट भी तो कर रहे थे। हाँ चलो, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday, dear mummy. Happy birthday to you. May God bless you. इतना बड़ा स्लाइड. ये देखो, एक बस मामू रह गए थे, बाकी सब हैं. ये मुंबई में तो आ नहीं पाए. मामू मामी. हेलो. बोल सकते हो आप हैप्पी बर्थडे अब मम्मी को. मम्मी मामू हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं. कैसा लगा मम्मी को सरप्राइज? पर वो तो मम्मी को देख सकते हो, बोल नहीं सकती. आज इसने मुझे स्पीचलेस कर दिया. मतलब नहीं मतलब खुशी. ये सब लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे बेचारे. और जैसा मैंने टाइम, भाभी छुट्टी लेकर आए, मासी को भी छुट्टी मिली एक तरह से, ये लोग बच्चे के ये होता है प्यार. देखो कितने आपसे प्यार करने वाले. गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं. सब मामू वगैरह छुट्टी लेकर आए हैं, घर से कैसे कैसे पहुंचे हैं मुश्किल से, जो कहीं नहीं आते हैं वो भी आए हैं. तालियां. मजा आ गया. बिल्कुल बिल्कुल. कोई पार्टी की कोई टेंशन नहीं है. मुंबई से भी हैं लोग. तो यहाँ किचन में देखते हैं. अच्छा, स्टार्टर्स रेडी हो रहे हैं. ये हमारे फ्राइज है. पे केक कटिंग में एक नाइफ मेरे को भी दे दो आप, मैं हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सबको भूख लगी है. सब लाल लाल चमक रहे, सब नाच नाच के पसीने. बाय बाय बाय. आपका धन्यवाद जो आपने हम सबको इकट्ठा कर दिया. 11:30 बज रहे हैं. नहीं, असली तो जो इतना दूर से आए हैं ना वो है, कॉलेज से छुट्टी लेकर आए हैं. हाँ, और इतनी दूर दूर से सब लोग आए. भाई मजा, हर तरफ से मुंडिया मुंडिया आ रही है. सबके प्लान थे रात को सुबह लेट उठेंगे और अभी 7 बजे उठे. हमारी भाभी ज्यादा ही संस्कारी निकली. सुबह सुबह देखिए. सुबह सुबह यार नहाने चले गए. छोटी बहू से सीखो कैसे आलू से लाया जाता. और एक दीदी हमारी परे है, वो तो अभी 9-10 बजे तक नहीं उठेगी. माइक आई है ना. मैं सारी सारी बेटियों का साथ दे रही हूँ. मैं जिस गाड़ी में आया हूँ ना, चलते चलते चाबी गिर जाती है. क्या याद आता है. गुड मॉर्निंग यार, कल रात को सबने इतना एंजॉय किया. रात भर पहले तो डांस चला, फिर उसके बाद गप्पे, मतलब किसी का सोने का मन ही नहीं हो रहा था. और सुबह भी सब जल्दी उठ गए थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ गई थी और सबको ये हो रहा था वापस से मिलके बातें करते हैं, मौज करते हैं. तो अभी सब ब्रेकफास्ट ले आए. कुछ लोग तो रात को ही चले गए थे, थोड़े बहुत सुबह सुबह निकल गए, अभी थोड़े और लोग बचे तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. हमने सोचा हम भी करते हैं और उससे पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं. जिस जगह हम आए हैं ना, इसका नाम है बाड़ी की धार. और इस जगह के बारे में रजत मुझे, मतलब जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले से बोलता था, यार मेरे गांव के पास एक जगह है वो बहुत सुंदर है, ऐसी है वैसी है. कैसी लगी?
अब देखूंगी रात को तो क्या ही दिखा था, बट बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो बाड़ी के धार का मंदिर तो तुमने देखा ही नहीं है, जो इतना पीसफुल और बहुत सुंदर है। सो मतलब अभी हमारी ये सारी चीजें बाकी है कि हम इधर उधर देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से रजत का भी मन था कि सब साथ चलेंगे, बट सोचो इतने टाइम से, हमारी शादी को भी साल हो गया और रजत शादी से पहले कहता था कि जाएंगे जाएंगे, तो अब जाके हमको वो शुभ अवसर मिला है कि हम सब साथ में आए हैं और जाएंगे वहाँ पे। सो इनफैक्ट आपको पता है, एक बार तो रजत को ऐसा हो गया था, ठीक है किसी को नहीं आना मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला आया हूं, आया है वही तो, बट वो शादी से पहले की बात है। और यहाँ वेजिटेशन भी कितनी अलग है, हाँ बहुत प्यारा है। रोजी दी ने मम्मी को बर्थडे विश करने को कॉल किया, कल से ट्राई कर रहा है, सॉरी आपकी कॉल मिस हो गई थी। कल से मुझे भी कॉल्स करी हुई इतनी, कहती तुम्हारा सरप्राइज खराब ना हो जाए इसलिए मैं पहले नहीं करूंगी कॉल, पर मेरे को बताओ कि कब मम्मी की भी आई थी कॉल ना रात को, इन सबको मैंने डरा के रखा था कि पहले नहीं करूंगी। टाइम तो म्यूजिक में कहाँ सुनाई दिया, कुछ नहीं पता चल रहा था, मैंने अभी किए मतलब फिर आया दोबारा फोन, सब पूछ रहे थे कि कैसा बर्थडे, बोला नया 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 सब बर्थडे सरप्राइज दिया है मेरे को कि मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता है आपको, बहुत मजा आया। चलो जी डालते हैं सामान और अब जाने की तैयारी। क्या डालना तुम्हें गाड़ी? कुछ बस यहाँ रख लूंगी आगे मैं। क्यों? कुछ नहीं मासी, खप्पे कर रहे हैं खोलना। यार कल मैंने पता नहीं क्या होशियारी करी, जब बैग पैक किया ना इधर के लिए सिर्फ नाइट सूट साथ में डाला, एक कपड़ा मतलब चेंज के लिए भी नहीं लेके आई हूँ, तो आज पूरा दिन नाइट सूट में घूमना पड़ेगा। और दूसरी होशियारी क्या थी, जो नाइट सूट मैं मुंबई के लिए ले गई थी ना, वही नाइट सूट साथ ले आई कि चलो यही ले जाती हूँ, और यहाँ पे तो ठंड है वो मैंने ध्यान रखा ही नहीं, अब मुझे ठंड लग रही है, तो मैं बैग खोलने आई हूँ कि रजत का कोई देखती हूँ कुछ होगा वो पहन लूँगी, फूट गया जिप्पर टाइप। सो अभी बढ़िया से हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और सब निकल रहे ऊपर बाड़ी की धार, मतलब हिल टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे मंदिर भी है और कह रहे कि बहुत सुंदर जगह है, वो भी देख के आएंगे। सुबह से मैं तो ठिठुर रही थी, अब जान में जान वापस आई है जब मेरे कपड़े पहन के तो क्या कपड़े होने चाहिए, बस सोचे जिसके भी सोचा तुमने कि ऐसी हमारे यहाँ भी जगह होगी, ठंडी बर्फ पड़ती है जब शिमला में पड़ती है। हाँ हाँ अच्छा, मतलब मैं समझ सकती हूँ यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये काफी अलग चीज होगी, क्योंकि हाँ। जहाँ पे अभी मेरा ससुराल भी है वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है, टी शर्ट में घूमते हैं, अब यहाँ पे वापस से जैकेट पहनना पड़ गया, तो ऐसा डिफरेंस है। तो ये है बाड़ीधार और यहाँ बाड़ेश्वर देवता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, देखो कितना सुंदर है ना। हाँ अरे ऊपर जाएंगे हम अभी, उधर मंदिर मतलब जंगल में पीछे, और आज ज्यादा लोग भी नहीं है, हम ही है, तो हमें एक्सक्लूसिव विजिट राइट्स मिले आज, तो मजे करेंगे और थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी शांति में। कैसी लगी जगह? थोड़ा हाँ जी चलो चलो बहुत सुंदर है। हाँ ओए कितनी ऊपर चले गए बोल। हाँ नहीं मैं फंस गया हूँ नीचे, बस बच्चों को नहीं झूलने दे रहे हैं बच्चे यहाँ लाइन में, बच्चे लाइन में बच्चे चश्मा लेके खड़ा हुआ इसलिए वेट कर रहा है दिल से। बहुत अच्छा है स्वेटर, बहुत बढ़िया है, किसी को बहुओं की टेंशन हो रही है कि पकड़ा भी है ढंग से, एक ही साथ हाथ धो दोगे आप दोनों जाने नीचे, घाड़ में गई दो बहुए, पेड़ में आपको छुपा दिया, आप भी छुपे पेड़ के पीछे। बढ़िया से सब परिवार हमारे मंगल दर्शन हो गए, अब सब यहाँ से वापसी की ओर निकल रहे हैं। तो करते करते हमारा प्लान ये बना कि सब घर पे आएंगे, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद मासी के घर जाएंगे, अभी सबका मन नहीं भर रहा है, कभी कहीं रुक रहे हैं कभी कहीं रुक रहे हैं, तो अभी मल्टीपल शेफ्स लगे हैं एक। जो मासी जी बहुत देर से कह रहे थे कि ठीक है करते रहोगे तो वही हो रहा है, शिवानी कितनी उससे लगी है ईमानदारी से नहीं है, नींद में है, देख भी ले कहीं कुट के हो तो नहीं गया, नीचे भी लगी है ना, हरा भरा लग रहा है यहाँ नीचे ना, क्योंकि हमको लग रहा है जल्दी में सिर्फ पुलाव ही बन सकता है।
दो हम लोग फुल हैं, पर हम फिर भी हम खाएंगे क्योंकि लंच लंच का टाइम, हम लंच की इज्जत कर रहे हैं। अच्छा मैं नींबू पानी बनाता हूँ, ठीक है? ये लीजिए पंकज भैया। हैव ऑल राइटी देन, पोस्ट बर्थडे ग्रीटिंग्स। लो जी, थैंक यू, पोस्ट बर्थडे ग्रीटिंग्स। क्या हो गया? Why so much of noise, girls? पता नहीं लगता, जल्दी इतनी है मुझे नहीं है, जो बाहर बैठे लोग हैं उनको जल्दी है। बस हो गया, हो गया, दिखाओ, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। हाँ कुछ डंका ही बन गया है। Yes, चलो लेकर रेडी है खाना। कितना कलरफुल लग रहा सारा ही। थोड़े से चावल गीले, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही खाने सबको। ये पतीले भी काट काट के इसने चाय, इसकी ऐसी स्पेशल चाय है, ये रियल असली वो है, स्पेशल कट चाय, कटिंग चाय, कट नहीं, कटी कर दी। मम्मी के गिफ्ट्स खोल रहा है और मम्मी को खुलने का मौका नहीं दे रहा है। ऐसा होता कभी? मैं मम्मी को शिकायत करूंगी। आसान करता हूँ। अच्छा।